इजराइल पर हमला करेगा ईरान। भारत ने उठाया कैसा बड़ा कदम। इजराइल पहुंची अमेरिकी सेना। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को महीनों गुजर चुके हैं। फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर जारी तनाव के बीच अब ईरान भी सीधे रूप से इस जंग में कूदने वाला है। खबर है कि अगले 24 से 48 घंटे में ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। इसको लेकर अमेरिका ने इजराइल को अलर्ट भी दिया है। अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों के हवाले से CBS न्यूज़ ने दावा किया है कि ईरान 100 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों के जरिए एक साथ हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बने तनावपूर्ण हालातों के बीच भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह सलाह इस महीने सीरिया में ईरान के दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हवाई हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की ईरान की धमकी के बीच आई है। अमेरिका और रूस सहित कई देशों ने क्षेत्र में अपने कर्मचारियों और नागरिकों के लिए इसी तरह की यात्रा सलाह जारी की है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा भी यह सलाह जारी की गई। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा परामर्श में वर्तमान में इन दोनों देशों में रह रहे लोगों से भारतीय दूतावासों से संपर्क करने और अपना पंजीकरण कराने का भी अनुरोध किया है। सलाह में कहा गया है कि उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी गतिविधियों को कम से कम तक सीमित रखें। भारत के साथ ही फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन और इसराइल की यात्रा न करने की सलाह दी है। बता दें कि इसराइल ने हाल ही में दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला कर दिया था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों की जान चली गई थी, जिसके बाद से ईरान इसराइल पर गुस्से में है। ईरान ने इसराइल को हमले की धमकी दी है, जिसके बाद से अब इस बात की तेजी से चर्चा है कि ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकता है। दोनों देशों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि अमेरिकी सेना के अधिकारी इसराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिका चीन और सऊदी को फोन लगाकर सुलह की कोशिश में लगा है। इन सब के बावजूद अगर ईरान ने पलटवार किया तो इसराइल को 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ सकती है। इसराइल के लिए 2 तरफा जंग लड़ना इतना आसान नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को आगे आना होगा, जिसके बाद इस जंग का नतीजा क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अमेरिका की एंट्री के बाद जंग बढ़ भी सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।